हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम एक और अपनी माइलेज टेस्ट की वीडियो लाए हैं। ये हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये हमारा आज का मॉडल नहीं है, लेटेस्ट मॉडल नहीं है, ये हमारा 2011 का मॉडल। इसका माइलेज टेस्ट करेंगे और इसको सिटी में चलाएंगे हम और देखते हैं इस गाड़ी का कितना माइलेज आता है। काफ़ी अच्छी देखो गाड़ी, मेनटेन गाड़ी है पूरी। और इसमें जो हमारे बाहर से थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ, ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए हैं गाड़ी के अंदर। और दोस्तों काफ़ी अच्छा, आप एक बार गाड़ी का पूरा ओवरऑल लुक देख लीजिए। और काफ़ी अच्छी मेंटेन गाड़ी है पीछे से भी, ये रही हमारी, कोई गाड़ी में वैसी कमी नहीं है। काफ़ी पुरानी है तो इसका एक बार हम एवरेज टेस्ट करना चाहते हैं कितना हमारा गाड़ी सिटी में एवरेज देती है। तो डीजल गाड़ी है और इसका 3000 cc का इंजन आता है। और दोस्तों ये फुल टाइम 4x4 गाड़ी है, ये देख लीजिए टोयोटा फॉर्च्यूनर फुल टाइम 4x4। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगाना पड़ेगा, आपको हाई और लो लगाना पड़ सकता है, वरना गाड़ी इसमें जो पावर है वो चारों पहियों में हर टाइम रहती है। तो इस गाड़ी का एडवांटेज है जो ऑल गाड़ियों में नहीं आता। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराने की, हम अपनी गाड़ी का सिटी में माइलेज टेस्ट कर सकें। कोई हमारा ज़्यादा लंबा कोई हाईवे का रूट नहीं है, हमारा शहर में गाड़ी चलानी है तो अपनी गाड़ी को आज पूरे दिन शहर में चलाएंगे। तो देखते हैं रेगुलर लाइफ में हमारी ये फॉर्च्यूनर कितने का एवरेज देती है। और जो हमारी रेंज आ रही है 365 की आ रही है, देख लीजिए आप। और जो हमारे इसमें किलोमीटर भी, ये ट्रिप हमारी, इसको हम अभी जीरो कर देंगे। और जो दिखा रहा है आधी टंकी तेल दिखा रहा है गाड़ी के अंदर, ये हमारा पेट्रोल पम्प, ये देख लीजिए, इस पर लगाते हैं अपनी गाड़ी को और इसका टैंक फुल कराते हैं। फिर इसको पूरे दिन आज से हम बड़े आराम से चलाएंगे और देखते हैं हमारा एवरेज कितना निकल के आएगा इस गाड़ी का। तो ये आ गए हम अपना पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे हम इसका डीजल फुल कराएंगे और देखते हैं क्या रहेगा। आइए दोस्तों बाहर मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है। यहाँ पे भी देखो हमारा पूरा फुल हो चुका है और इस ट्रिप को भी हम जीरो कर देते हैं। दोनों ट्रिप हमने अपनी जीरो कर दी हैं। और देखो यहाँ जो हमारी अभी रेंज आ रही है वो सेम ही आ रही है, कोई चेंज नहीं आया। देखो अभी गाड़ी चलेगी तो बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई हमारी रेंज, 798 किलोमीटर की इस गाड़ी की रेंज आ रही है। तो काफ़ी अच्छी रेंज आ रही है, ये बात तो है इस गाड़ी के अंदर कि एक टैंक में गाड़ी काफ़ी चलती है। जैसे कहीं लंबे सफ़र पे जाना है तो आपको एक बार टैंक फुल कराओ, फिर टेंशन नहीं है, लगभग 700-750 किलोमीटर चल जाती है। जो दिखा रही है 798 किलोमीटर की रेंज, तो काफ़ी अच्छी रेंज है इस गाड़ी के लिए और इस सेगमेंट के लिए भी, एक SUV सेगमेंट के लिए इतनी रेंज होनी भी चाहिए। क्योंकि SUV का हाईवे पर रन भी बहुत होता है और शहर में भी होता है। एक बार टैंक फुल करा लो, आपका 10-15 दिन आराम से चल जाए। तो अब देखो आज से पूरे दिन हम चलाएंगे गाड़ी को और आपको बीच में हम ये भी दिखाएंगे कि ये गाड़ी हमारी टोटल चली हुई भी कितनी है, कि आपको शौक हो जाए टोयोटा के ऊपर भी, क्योंकि टोयोटा की रिलायबिलिटी बहुत होती है। तो बीच में आप वीडियो को कट मत करना, तो स्किप मत करना। तो बीच में दिखाते हैं ये हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर कितनी चल चुकी है अभी तक। तो दोस्तों हम अपना गाड़ी को 11 किलोमीटर चला लिए शहर में, पूरा अपना चल रहे हैं, ट्रैफिक वाला एरिया है तो देखो गाड़ी तो सही चल रही है। और दोस्तों बात करें, जैसे हमारी 2011 मॉडल गाड़ी है, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, पर उस टाइम के हिसाब से देखो इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल, AC वगैरह सब आता है। टच स्क्रीन ही हमने बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा लिया, क्योंकि उस टाइम CD वगैरह डलती थी, DVD, तो उस टाइप का आता था, वो हमने चेंज करा के एंड्रॉयड लगवा लिया। इसमें भी स्पीड वगैरह सब चीज़ आती है
और इसमें ये भी वो सब बताता है, यूट्यूब चैनल वगैरह सब चल जाती हैं। और दोस्तों बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील पे वॉइस के सारे कंट्रोल हैं, और जो हमारी स्क्रीन आती है इसके भी कंट्रोल्स हैं इसके अंदर, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जैसे ये आ रहा, सारी चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एवरेज भी आ जाता है। जैसे गाड़ी हमारी 11.2 का एवरेज दे रही है, देख लो आप, तो देखते हैं इसका एवरेज भी हमारा कितना निकल के आएगा। काफ़ी अच्छे इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह सारे दे रखे हैं यहाँ पे, ये टाइमिंग वगैरह सब आ जाती है। देखो अब रेंज आ गई है 785 की हमारी रेंज आ गई है, तो ऐसी अब पूरा शहर में चलाना है। देखते हैं गाड़ी आज पूरे दिन में कितनी चलेगी, फिर शाम को इसका टैंक फुल कराएंगे हम। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, हमने गाड़ी अपनी 44 किलोमीटर चला ली है, और जो हमारी रेंज रह गई है वो 762 की रह गई है, और जो हमने तेल भरवाया था वो शायद 798 की रेंज आ रही थी गाड़ी की। तो सही अपना एवरेज आ रहा है, उम्मीद है हमारी गाड़ी 11-12 का एवरेज दे देना चाहिए इस गाड़ी को। और जो शो भी कर रही है वो 11.2 का एवरेज शो कर रही है, मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्रीन पे। तो हम अपना सिटी में इस गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे हैं आसानी से। मैनुअल गाड़ी है तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में थोड़ा तो फ़र्क आता है, वो आसान होती है शहर में चलानी, और इसमें बार बार गियर बदलो सारा करो। पर जैसे मैं आपको 4x4 का बता रहा था, तो देखो यहाँ पे एच पे आ रहा है 4x4 का, अगर हमें इसे चेंज करना है तो इस वाले गियर से हमारा चेंज होगा। ये सिर्फ हमारा 4x4 के लिए ही एक लीवर दे रखा है, और ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारी 4x4 गाड़ी ऑल टाइम इस गाड़ी में 4x4 रहता है, और जो हमारे अब जो वेरिएंट आ रहे हैं फॉर्च्यूनर के उसमें ऑल टाइम 4x4 नहीं आता, उसमें हमें लगाना पड़ता है। और दोस्तों इसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे फीचर्स थे अपने टाइम के हिसाब से, ये 12-13 साल पुरानी गाड़ी है, तो सोचो उस टाइम पे क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, ऑल टाइम 4x4 वगैरह कितने अच्छे फीचर्स थे, बैक सेंसर वगैरह सब कुछ आता था इसमें, और रियर एसी वगैरह सब सारे इसमें फीचर्स हैं। और दोस्तों यहाँ पे साइड में भी इसमें कप होल्डर वगैरह सब दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब पूरी फुल अपनी गाड़ी फुल एसेसरीज है इस गाड़ी के अंदर, और सारी फीचर्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो अब आगे और चलाएंगे अभी तो हम इस गाड़ी को, शायद 101 किलोमीटर हम इस गाड़ी में टच भी कर लेंगे तो कोई वैसा इशू नहीं आएगा, प्रॉपर हमें पता चल जाएगा हमारी गाड़ी कितने का माइलेज दे रही है शहर के अंदर। तो देखो यहाँ शहर में दोस्तों ऐसे ही जाम लग जाता है, यहाँ पे गाय भैंस सड़क पे खड़े हैं, ये देख लीजिए। तो ये काफ़ी एक होता है शहर में जो डिसएडवांटेज होता है, जिससे हमारी गाड़ी कम एवरेज देती है, ये भी हमारे जाम का कारण बन जाते हैं। और जगह जगह कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है, तो इससे भी एक थोड़ा सा भीड़ वगैरह सब लगा रहता है। आज पूरे दिन सिटी ड्राइव ही हमारी, हम कहीं हाईवे वगैरह पे ऐसा नहीं जाना है सच। दोस्तों हमने अपनी गाड़ी पूरी 50 किलोमीटर चला ली है, अब अपना आगे जा रहे हैं शहर में घुमाने के लिए गाड़ी को। धूप भी निकल गई है, देख लो थोड़ी थोड़ी निकली है, मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा है हमारे यहाँ, तो अपना आज सब चीज़ लेट ही चालू होती है। हमने वीडियो भी आज 11-12 बजे के आसपास बनानी चालू करी थी, अभी 4:15 हो रहे हैं, टाइम भी है, एक बार देख लीजिए। हमने गाड़ी अपनी 3-3.5 घंटे में 50 किलोमीटर चला ली है आज, जब से निकले इसका एवरेज टेस्ट करने के लिए। ड्राइव भी है गाड़ी थोड़ी देर, स्टार्ट भी खड़ी रही है जाम में, जब लग गया था 10-15 मिनट हमारी गाड़ी स्टार्ट भी रही है और चला भी रही है लगातार, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी का शहर में। कोई वैसा नहीं है कि हमें कोई इशू आया हो कि इतनी पुरानी गाड़ी है तो चलाने में, पिकअप वगैरह सब चीज़ बढ़िया है और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस भी है। और दोस्तों मैंने आपको बोला था मैं इस गाड़ी के किलोमीटर्स आपको दिखाऊंगा, देखो अभी क्लिक करता हूँ, ये गाड़ी जो चली हुई है वो 3,36,000 किलोमीटर चल चुकी है, एक बार आप देख लो ध्यान से। ये हमने अपनी गाड़ी को 3,36,000 किलोमीटर चला दिया है, समझिए टोयोटा का इंजन कितना अच्छा है। और इतने में तो महिंद्रा या टाटा गाड़ी होती तो चली नहीं पाती, ये अपनी इतनी अच्छी गाड़ी, इसमें अब तक बस एक बार ही हमने इसमें सस्पेंशन कराया है, दूसरी बार की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी गाड़ी अब भी, ये कोई भी इसमें कमी नहीं है। हम अपना हिमाचल वगैरह जाते हैं तो इसी लेके जाते हैं, क्योंकि 4x4 गाड़ी है तो काफ़ी अच्छा इसका रहता है, इसलिए टोयोटा का भरोसा भी इसलिए बोलते हैं। एक तो सर्विस कॉस्ट भी कम होती है टोयोटा की, और इंजन की रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। हमने जो इनोवा ली है वो भी इसीलिए ली है, ये पूरी हमने गाड़ी इतनी चला ली कि फिर दूसरी भी टोयोटा की ही लाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कितना उसे और शहर में चलाएंगे।
तो दोस्त हमारी गाड़ी 101 किलोमीटर चल चुकी है, देख लीजिए आप। और हमारी जो रेंज आ रही है वो 713 की आ रही है। हम आ गए अपना पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं और बताते हैं गाड़ी का एवरेज कितना निकल के आया। उम्मीद है हमें 10-11 का एवरेज देना चाहिए गाड़ी को, तो वो पता चलेगा अपना टैंक फुल कराने के बाद। आपको बताते हैं, सारी चीज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने हमारा देख लिया होगा, गाड़ी के अंदर 7.8 लीटर का डीजल आया है। हमारी गाड़ी 101 किलोमीटर चली है। आइए अब कैलकुलेट करते हैं, 7.8 / 7.8। तो दोस्तों हमारी गाड़ी ने 13 का एवरेज दिया है, काफ़ी अच्छा और अनएक्सपेक्टेड एवरेज दिया। हमें लग रहा था कि 11-12 का मैक्सिमम देगी या फिर 10 का भी दे सकती है, पर हमारी गाड़ी ने पूरा हमारा एवरेज जो दिया है वो 13 का एवरेज दिया, काफ़ी अच्छा एवरेज निकल के आया दोस्तों। तो दोस्तों यही थी हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर 2011 मॉडल का एवरेज रिव्यू। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा गाड़ी खोजो के नाम से चैनल है, उसे भी आप फॉलो करें। धन्यवाद।